യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ യഹോവാ എലിയോൻ സൃഷ്ടികർത്ത മേരാ പിതാ ബൻ ഗയാ അബ് തോ മേ സനത് ഹൂം അബ് തോ മേ आज मैं एक प्रत्येक वचन आपका सामने रखना चाहता हूं। बहुत प्रार्थना के साथ में इस वचन को सुन लीजिए। वचन में क्या लिखा है मल में? वचन में लिखा है जो भूखा आए प्रभु उसको क्या किया? तृप्त किया। लेकिन जिसको लगा मैं एकदम तृप्त मैं संबंध ने उनको ऐसे ही क्या किया? वापस भेजा, छोड़ दिया। हालेलुया। तो अगर आप भूखा है तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। कोई भी परमेश्वर का बच्चा जब प्रार्थना सभा में आएगा बहुत भूखा होके जब आते परमेश्वर ने उनसे बात करेगा। उधर कुछ मतलब नहीं है कौन परमेश्वर का वचन दे रहे कौन सा भाग से बात किए, कुछ मतलब नहीं है। प्रभु क्या करेगा, पवित्र आत्मा क्या करेगा, उस बातों से उनसे बात करेगा। तो आपने दिल के अंदर बहुत बड़ा भोज रखे आया होगा, आशा रखे आया होगा, प्रभु ने आपसे बात करेगा। यीशु का प्रत्येकता, यीशु का विशेषता, आइशिया 61 का पहले का आयतों में ऐसे लिखा है दैट वर्ड्स इट इज अबाउट जीसस क्राइस्ट। यीशु के बारे में बताया गया भविष्यवाणी है आइशिया भविष्यद्वक्ता का द्वारा। उधर कह रहे हालेलुया मेरे ऊपर परमेश्वर का अभिषेक है, आई एम अनॉइंटेड ना टू प्रीच गॉस्पल, सुसमाचार बताने के लिए मुझे अभिषेक किया है। और उसका नेक्स्ट सेंटेंस में क्या कहा, हालेलुया उधर लिखा है ही हैज सेंट मी टू बाइंड अप द ब्रोकन हार्टेड, खेदित मनों को शांति देने के लिए, खेदित मनों को पट्टी लगाने के लिए उन्होंने मुझे क्या किया है, अभिषेक किया है। तो गॉस्पल इसके ऊपर जो अभिषेक दार सुसमाचार बताने का अभिषेक, जब सुसमाचार बताएगा वर्ड ऑफ गॉड वेयर एवर इट इज प्रीच्ड व्हाट विल हैपन यू नो, नेक्स्ट वर्ड में लिखा है खेदित मनों के अंदर शांति आएगा। गॉस्पल आप सुनेगा, वर्ड आप सुनेगा, वचन आप सुनेगा, एवरी ब्रोकन हार्ट इज गोइंग टू गेट हील्ड। हालेलुया योर ब्रोकननेस है ना, आपका दिल टूट के आप आया होगा, लेकिन द वर्ड ऑफ गॉड इज हैविंग द पावर टू हील द ब्रोकननेस इन योर लाइफ। हालेलुया टूटे हुए दिलों को क्या करेगा, पट्टी मारने वाला है। हालेलुया उन्होंने हील करने वाला परमेश्वर है। अपना परमेश्वर सिर्फ घाव पहुंचाने वाला परमेश्वर नहीं है, घाव को पट्टी मारने वाला परमेश्वर भी है। आयुब का किताब में हम देख पाऊंगा अपना परमेश्वर घाव लाएगा और घाव को क्या करेगा, पट्टी भी। एक बार मैंने बताया था हालेलुया अपना परमेश्वर आपका दिल को अगर घाव पहुंचाया, कुछ दुख आपका जीवन में लाया, ऐसे ही आपको छोड़ेगा नहीं। ही विल हील दैट वाउंड इन योर हार्ट। हालेलुया आज जब वचन सुनेगा आप भी ऐसे प्रार्थना करो, लॉर्ड व्हेन आई केम हियर मैं इधर आया बहुत टूटे हुए दिल के साथ में मैंने आया, लेकिन मैं वापस लौटेगा, मेरे दिल के अंदर शांति पाके मैं लौटना चाहता, मैं कुछ विषयों में मैं उत्तर पाके मैं जाना चाहता, आपका वायदा मैं सुन के मैं जाना चाहता। आई वॉन्ट टू गो बैक विथ सडन प्रोमिसर्स, हालेलुया आई वॉन्ट टू गो बैक विथ सडन आंसर्स इन माई लाइफ, कुछ उत्तर पाके, कुछ वायदों पाके मैं वापस लौटना चाहता। वैसे एक क्षण प्रार्थना कर दीजिए, इसलिए कि मैंने कहा जो भी वचन हम आज सुनेगा उस वचनों का द्वारा प्रभु का आत्मा हमें बात करेगा। लेट अस टर्न आवर अटेंशन टू इक्लिशियास्टिक्स चैप्टर 7 वर्ड से इट, सभा उपदेशक का पुस्तक 7वां अध्याय का 8वां वचन में अपना ध्यान लाइए। सभा उपदेशक का पुस्तक 7वां अध्याय का 8वां वचन पढ़िए कोई ऊंचा आवाज में। किसी काम का आरंभ से उसका अंत उत्तम है। हाँ
हालेलुया, बहुत बातों इस वजन से हम सीख पाऊंगा। बिगिनिंग से क्या चाहे, अंदर चाहे, कोई भी मैटर, कोई भी विषय का शुरुआत से अंदर अच्छा है ना। शुरुआत कैसे होगा? शुरुआत बहुत छोटा होगा। शुरुआत कैसे होगा? शुरुआत बहुत कठिनाई कष्ट के साथ में होगा। शुरुआत कैसे होगा? बहुत बिटरनेस होगा। हालेलुया, लेकिन अंध क्या होना चाहिए? अंध, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, बहुत मीठा होना चाहिए। अंध बहुत जॉयफुल होना चाहिए। अंध बहुत आशीषित होना चाहिए। कितना लोग ऐसे प्रार्थना करेगा आज सुबह, प्रोजी मेरा आपका जो स्थिति, मेरा प्रेजेंट सिचुएशन बहुत छोटा है, बहुत मुसीबतों से भरा हुआ है, लेकिन हालेलुया, इन सभी बातों का एक अच्छा अंध जरूर परमेश्वर रखा है। हालेलुया, सो अंध ना, सब लोग कहो द एंड, फाइनल रिजल्ट, क्या है ना, एवरीबडी से फाइनल रिजल्ट। अब ऐसे कितना लोग फाइनल रिजल्ट के लिए वेट करने वाला लोग है? फाइनल रिजल्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट फाइनल रिजल्ट, एवरीबडी से फाइनल रिजल्ट। अभी मैं एग्जाम लिख रहे, हालेलुया, लेकिन एक दिन में उसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। अभी मैं बहुत बड़ा परीक्षा से गुजर रहे, लेकिन एक दिन इसका फाइनल रिजल्ट आने वाला है। उस फाइनल रिजल्ट तक इंतजार करना चाहिए तो आई नीड स्पिरिट ऑफ पेशेंस, क्या चाहिए? आमीन, एक धीरज रखने का आत्मा मुझे चाहिए। आई डू नॉट नो वाई, हालेलुया, मुझे जानता नहीं है स्वभाव उपदेशक ने क्यों लिखा। एक साइड में पेशेंस इन स्पिरिट लिखा है ना, पेशेंस इन स्पिरिट, दूसरे साइड में प्राइड इन स्पिरिट लिखा है। एक भाग में क्या लिखा? आत्मा में एक धीरज, हालेलुया। दूसरा भाग में, हालेलुया, आत्मा में एक घमंड। क्या धीरज का ऑपोजिट है क्या घमंड? धीरज का ऑपोजिट है क्या घमंड? ये क्यों ऐसे लिखा? एक भाग में धीरज लिखा तो उसका ऑपोजिट है ना इंपेशेंट लिखना चाहिए था, लेकिन मुझे ऐसे लगा कुछ कारण होगा परमेश्वर का भक्त ने अगर ऐसे लिखा तो। मैं आपको बोल के देना चाहता, काफी लोगों का जीवन में एंड रिजल्ट तक इसलिए वो लोग रुकने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उनका दिल के अंदर कुछ ना तो कुछ घमंड है। क्या है? हालेलुया, समथिंग दे आर नॉट रेडी टू गिव अप, हालेलुया, समथिंग दे आर नॉट रेडी टू सैक्रिफाइस, हालेलुया, कुछ चीज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इन लोगों से बात करेगा तभी हमें ये बात पता मिलेगा। यू नो आज वी आर द मिनिस्टर्स ऑफ गॉस्पेल, जैसे वजन का सेवकाई करते, अलग अलग लोगों से बात करते, अलग अलग टाइप है ना, अलग अलग काइंड ऑफ पीपल, कहीं से अंदर होगा, बाहर का लोग होगा, हम कितना लोगों से मिलते हैं, हालेलुया, हम क्या ना अलग अलग टाइप लोगों से बात करते हैं, हालेलुया, अलग अलग तरह का लोगों से बात करते हैं। लास्ट वीक कोई एक व्यक्ति से बात किया, मुझे इसे लगा, आई फेल्ट लाइक दैट, हालेलुया, उसके अंदर बहुत बड़ा ईगो इश्यू है के हम कितना भी उनको समझाने के लिए कोशिश करो वो सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो सिर झुकाने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं है, ही इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट हिज फेलियर। उसका जो कमी कहां है, उसका गलती क्या है, वो मानने के लिए, वो एक्सेप्ट करने के लिए वो व्यक्ति तैयार नहीं है। तो हम बोल पाओगे दिल के अंदर क्या रहते है, एक तरह का घमंड, एक तरह का ईगो है ना, ईगो क्या है, घमंड है। तो उस गमन क्या करते मालूम है, उस नौजवान को उसका आशीष दूर करते। मैं बोलना चाहता, हालेलुया, पेशेंस का ऑपोजिट इधर क्या है, प्राइड, हालेलुया, घमंड। तो अपने अंदर से भी हम कुछ घमंड को क्या करना है, निकालना है। परमेश्वर का बच्चा ऐसे बनना चाहिए, बिल्कुल घमंडी नहीं होना है। जब आप यीशु का जैसे बन जाएगा, यीशु के दिल के अंदर बिल्कुल घमंड नहीं था, हालेलुया, यीशु में जो स्वभाव है अपनाएगा, हालेलुया, तो क्या होने वाला है, वो जो एंड रिजल्ट, वो जो फाइनल रिजल्ट आप देख पाओगे, हालेलुया, वो एंड रिजल्ट आपका जीवन में आएगा।
मैं लगते गया शुक्रवार को शायद बोला होगा ना, तो कोई एक मीटिंग में मैंने कहा, कभी कभी हम कहते ओ ब्रदर बहुत बदल गया है ना, वो सिस्टर बहुत बदल गया, पहले जैसे नहीं वो सिस्टर, पहले वो कितना अच्छा ब्रदर था लेकिन अभी क्या हो गया, वो बहुत बदल गया। मैंने कहना चाहता हूं, जब आपका बारे में कोई ऐसे एक स्टेटमेंट बताएगा, एक नेगेटिव वे में कभी भी बोलने के लिए मौका देना, वो सिस्टर पहले बहुत अच्छा था अभी बहुत बदल गया, ऐसे बोलने का मौका देना नहीं है, मगर एक पॉजिटिव सेंस में हल आपका बारे में बोलना है, देखो वो ब्रदर बहुत बदल गया है। इसका मतलब क्या है, वो टोन में थोड़ा डिफरेंस है ना, मतलब वो बहुत सुधर गया, बहुत अच्छा हो गया है, पहले का स्वभाव से उनका जीवन अभी बहुत अच्छा हो गया है। हालेलुया, यीशु में जो भाव है अभी उनमें क्या हो गया है, आ गया है। तो परमेश्वर का बच्चा एक एक दिन आगे बढ़ेगा, हमें विक्टरी चाहिए, वैसे एक एरिया है अपना जो घमंड, अपना जो अहम कहते हैं ना, जो मैं कहते हैं ना, हालेलुया, उस जो भाव में हमें क्या ना एक छुटकारा, हालेलुया। दूसरे भाषा में बोलेगा तो सेल्फिशनेस क्या है, अपना सबका बहुत बड़ा एक शत्रु है, हालेलुया, सेल्फिशनेस। सेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस क्या होते हैं मालूम है, सेल्फिशनेस हम सोचेगा मेरे लिए मैं काम करते हैं, मेरा जीवन में अच्छा होना चाहिए, लेकिन हमें यह बात भूल जाएगा, इससे जब हम कोशिश करेगा काम करेगा हम कहां भी पहुंचने वाला नहीं। लेकिन जब आप सेल्फलेस होकर काम करेगा, कैसे सेल्फलेस होकर काम करेगा, उल्टा क्या होने वाला है मालूम है, आपको भी जानता नहीं है कहां से आपका जीवन में आशीष आते, कौन सा श्रोता आपके लिए खोल के मिलते, आपको भी पता नहीं मिलेगा। तो हमें यीशु जैसे बनना है, कैसे बनना है, इसलिए वचन में लिखा नॉट आई बट क्राइस्ट, हालेलुया, मुझ में मैं नहीं मगर कौन, यीशु। मैं बोलेगा तो जो सेल्फ होते ना, अपने जो सेल्फ होते ना, वो सेल्फ को हमें एकदम सिरो बनाना है, सेल्फ को हमें खत्म करना है, जो गमंड का वो जो स्वभाव है ना, गमंड का स्वभाव होता तो क्या करेगा, मैं कहेगा ना, हालेलुया, गमंड का स्वभाव नहीं है तो हम क्या करेगा, हम कहेगा ना, वी विल नॉट से आई बट वी विल से वी, हालेलुया। ओ नेचर में थोड़ा बहुत फर्क है। तो वचन में क्या लिखा है, हमें पौलुस ने कहा इसलिए मैं नहीं मगर यीशु, हालेलुया, नॉट आई बट क्राइस्ट जीसस, मुझ में कौन वास करते, यीशु वास करते, मेरा मैं को, मैं का मतलब क्या है, मेरा अहम कहते हैं ना, मेरा सेल्फ है ना, मेरा अहम, मेरा सेल्फ, उसको मैंने क्रूशित किया है, उसको मैंने क्रूशित किया है। हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी टू सैक्रिफाइस योर सेल्फ इन टू द क्रॉस ऑफ कैलवरी, हालेलुया, कलवार के क्रूस के ऊपर अपना सेल्फ को कितने लोग सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। जब वो आप सैक्रिफाइस करेगा, हालेलुया, आपका शुरुआत से अंध अच्छा देखने के लिए प्रभु ने क्या करेगा, आपको लेके जाएगा, हालेलुया। सेल्फ को क्या करना है, सैक्रिफाइस करना है। हकीकत में क्रूस, आप देखो क्रूस की ओर देखो, ईश्वर का क्रूस की ओर देखो, क्रूसिफिकेशन, क्रूसिफिकेशन बोलेगा तो क्या ना, एवरीथिंग इज क्रूसिफाइड है ना, दोनों पैरों में क्या किया है, खिल्ला लगाए, दोनों पैरों में खिल्ला लगाया है, दोनों हाथों में खिल्ला लगाया है, सिर में कांटों का मुकुट रखा है, हालेलुया, सीने में क्या किया, भाला से छेद डाला है। अब उस जो तस्वीर देखो यीशु का क्रूसीकरण का, एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी इट इज सरेंडर्ड, हालेलुया, क्रूसीड है, हालेलुया, हाथ को अभी क्या करना ही पाऊंगा, फ्रीडम नहीं है, हालेलुया, टोटली सरेंडर्ड। पैरों को क्या किया है, टोटली सरेंडर्ड, हालेलुया। दिमाग को क्या किया है, टोटली सरेंडर्ड। माइंड है ना, हृदय बोलेगा तो माइंड है ना, मन को क्या किया है, पूर्ण रूप में समर्पित किया है। तो क्रूसीकरण का मतलब क्या है मालूम है, व्हेन यू आर क्रूसीफाइड विद क्राइस्ट जीसस, यीशु के साथ में जब आप आपको क्रूसित किए, इसका मतलब क्या है मालूम है, अपना चाल चलान को, अपने हाथों का कार्यों को, हालेलुया, अपना सोच विचारों को, अपना जो फीलिंग्स, सब कुछ हम क्या किया है, क्रूसित किया है, हम कुर्बान किया है,
बोलना चाहता, अगर ऐसे कुर्बान करने के लिए हम तैयार है, जो एरिया हम अभी तक सरेंडर नहीं किया है ना, उस एरिया को जब हम सरेंडर करने के लिए तैयार हो जाएगा, हालेलुया, व्हाट विल हैपन, यू नो, यू विल गेट ए स्पिरिट ऑफ पेशेंस, हालेलुया, इंतजार करने का धीरज आपके दिल के अंदर आपको मिलेगा। मेरे प्यारे, आप सबको मैं कह के देना चाहता हूं, एंड रिजल्ट देखना चाहिए तो आपको सबको धीरज चाहिए। सबको वचन स्पष्ट रूप में हमें सिखाते हैं, परमेश्वर से कुछ भी पाना चाहिए तो धीरज चाहिए, हालेलुया। परमेश्वर का वायदा पूरा होकर देखना चाहिए तो क्या चाहिए? धीरज चाहिए, हालेलुया। अभी का प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत कड़वापन होगा, बहुत दुख होगा, लेकिन हालेलुया, धीरज रखे आपको इंतजार नहीं कर पाएगा, हालेलुया। व्हाट विल हैपन, यू नो, यू विल नॉट सी द एंड रिजल्ट, हालेलुया। आपका कमेंट का कारण से आप हालेलुया चोट के चला जाएगा तो क्या होने वाला है? आपको एंड रिजल्ट नहीं देख पाओगा, हालेलुया। इसलिए इसे प्रार्थना करो, प्रभु जी मुझे धीरज दे दो ताकि मैं फाइनल रिजल्ट देख पाऊंगा, हालेलुया। प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में हालेलुया मैं बहुत दुखी है, लेकिन मैं फाइनल रिजल्ट मैं देख पाऊंगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है मालूम है? आपका जो अभी का जो स्थिति उससे बेहतर है आपका फाइनल रिजल्ट, हालेलुया। द थिंग्स व्हाट यू आर फेसिंग राइट नाउ, द थिंग्स व्हाट यू आर गोइंग थ्रू राइट नाउ, उससे बेहतर है आपका फाइनल रिजल्ट। आयुब का किताब 8:7 पढ़िए, आयुब 8:7 पढ़िए। हाँ, क्या लिखा है उधर? तेरा अब का स्थिति तुम्हें चोटा लगेगा, मतलब ये कुछ नहीं है, लेकिन तेरा अंत तो ओ बहुत बहुत और होने वाला है। मतलब देखो, तेरा शुरुआत बहुत हम्बल, बहुत छोटा, हालेलुया, लेकिन तेरा अंत कैसे है? बहुत बढ़ती होती है, धन्यवाद यीशु, प्रॉस्पेरिटी होते है। आज बहुत संकट होगा लेकिन अंत कैसे है? आज बहुत बिटरनेस होगा लेकिन अंत कैसे है? विल बी हैविंग ए स्वीट एंड, हालेलुया। मलयालम में गाना में हम गाते हैं ऐसे ना, आदि इंगल कई पागिल अंध्यमो माधुरमत्रे वर वरमेश वर मरुलीश। शुरुआत शायद बहुत कड़वा होगा लेकिन अंत बहुत मधुर है। सब लोग कहो फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा है, विश्वास के साथ में कहो ना, मेरा जीवन का फाइनल रिजल्ट, मेरा जीवन का फाइनल चैप्टर बहुत अच्छा है, यू नो, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 धन्यवाद यीशु। कोई भी पुस्तक का लास्ट चैप्टर वो जो लिखने वाला बहुत सोच के लिखेगा, है ना, व्हेन एवर, है ना, उन्होंने बहुत सोचेगा व्हाट शुड बी द लास्ट चैप्टर, कंक्लूजन चैप्टर है, क्लाइमैक्स चैप्टर, हालेलुया। पहले का चैप्टर्स कितना अच्छा है, फिर भी क्लाइमैक्स गया तो गया, हालेलुया, सही है ना। तो आपका भी फाइनल चैप्टर, फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा है। सभा उपदेशक ने जैसे कहा, शुरुआत से अच्छा है अंध, हालेलुया, शुरुआत से अच्छा है अंध, लेकिन वो अच्छा अंध प्राप्त करने के लिए हमें धीरज अपना आत्मा में होना जरूरी है। हमें घमंड को दिल के अंदर से निकालना है। घमंड का अर्थ में बता के दिया, घमंड का अर्थ क्या है? घमंड कैसे आपका शत्रु बन जाते है? आपका घमंड आपको धीरज रखने के लिए क्या करेगा? नहीं, परमिशन ना तो इजाजत देगा नहीं। जो घमंडी आदमी का दिल कहेगा तुम कितना इंतजार करेगा, जाओ तुझे जान दे क्या करना है, जाके करो, है ना। उन्होंने उसका सेल्फ विल में, है ना, खुद का आशा में चलना शुरू करेगा। उन्होंने कहेगा कितना साल हो गया तुम इंतजार कर रहे, कुछ हुआ नहीं, अब इंतजार मत करो, जाओ, यू नो व्हाट टू डू, है ना। समटाइम वी यूज्ड टू से आई नो व्हाट टू डू, लेकिन हालेलुया परमेश्वर के ऊपर निर्भर हुआ। परमेश्वर का बच्चा कहेगा प्रभु मुझे कुछ जानता नहीं है,
I trust on you. I believe in you. And you are going to do a miracle for me. Hallelujah. I'm ready to wait for you. जैसे दाऊद ने कहा, मैं परमेश्वर के लिए क्या करेगा? बाट जो हते रहेगा, मेरे दिल को मैं दृढ़ करेगा, है ना, स्टेडफास्ट करेगा मेरे दिल को. कभी कभी दिल दौड़ा हल इधर उधर हो जाते, चंचल हो जाते, मैं वापस मेरे दिल को दृढ़ करके कहेगा वेट फॉर लॉर्ड. हालेलुया. परमेश्वर के लिए इंतजार करो, परमेश्वर की इंतजार करो. अभी सब कुछ बुराई चल रही, लेकिन एक दिन परमेश्वर मेरे लिए काम करेगा. धीरज रखेगा तो काम करेगा, बट योर प्राइड विल नॉट अलाउ दैट, है ना. आपका घमंड क्या करेगा? नहीं उसको. इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसलिए हमें अपने इस स्वभावों को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा. हालेलुया. क्रॉस में रखना पड़ेगा ना, हालेलुया, क्रूशित करना पड़ेगा. किस तरह का स्वभावों को? जो स्वभाव हमें धीरज रखने के लिए नहीं देते, धीरज रखने के लिए हमें इजाजत नहीं देते, वैसे स्वभावों को हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा. दाऊद को देखो, ओ धीरज रखने के लिए बहुत बड़ा एक अच्छा उदाहरण है दाऊद, है ना. कितना साल धीरज रखा? ओ हालेलुया, बहुत सालों, बहुत सालों. दाऊद को जानते हैं, हालेलुया, इस परमेश्वर के लिए इंतजार करेगा तो वो जरूर एक दिन उतराने वाला है. बहुत सालों अभिषेक पाने के बाद में, वायदों मिलने के बाद में, वो वायदों हाथ में पहुंचने के लिए कितने साल लगा. याकूब का पत्री में भी हम पढ़ पाऊंगा, पांचवा अध्याय में, जो भविष्यद्वक्ताओं का, आप देखो, जो कष्ट उठाया, संकट उड़ाया भविष्यद्वक्ताओं, वो लोग धीरज रखने के लिए एक उदाहरण है ना, दे आर एन एग्जाम्पल. हालेलुया. इब्रानियों चौथा अध्याय में भी लिखा, परमेश्वर का वायदों प्राप्त करने के लिए हमें क्या चाहिए? धीरज चाहिए. आप सबका जीवन में प्रभु ने अच्छे अच्छे वायदों दिया है. उन सारे वायदों को परमेश्वर क्या करेगा? How many of you believe that God will fulfill each and every promises he had given in your life? God is faithful. कभी भी परमेश्वर उसका जुबान को, उसका बात को बदलने वाला परमेश्वर नहीं है. उन्होंने उनका हर वायदों वचन में लिखा है, हा ही हा है. उनका हर वायदों हा ही हा है. उन्होंने कुछ बोला, इट इज ऑफ कोर्स यस, हालेलुया, हा ही हा है, वो पूरा करेगा. लेकिन एंड तक आपको क्या करना पड़ेगा? इंतजार करना पड़ेगा. आयुब का किताब में लिखा, तेरा अभी का स्थिति बहुत छोटा होगा, लेकिन तेरा भविष्य, हालेलुया, योर फ्यूचर विल बी, हालेलुया, प्रॉस्परस. तेरा भविष्य बहुत, तेरा एंड बहुत अच्छा होने वाला है. इस विश्वास के साथ में आयुब ने क्या कहा मालूम है? 19वां अध्याय का 25वां वचन पढ़िए, आयुब 19:25. I know that my Redeemer lives. In the end, hallelujah, he will stand upon the earth. I know my Redeemer lives. Hallelujah. मैं जानते मेरा उद्धार करता, मुझे चुड़ाने वाला, मुझे बचाने वाला, हालेलुया, मेरा छुटकारा देने वाला जीवित है. आई नो माय रिडीमर लिव्स, हालेलुया, इन द एंड ही इज गोइंग टू स्टैंड देयर फॉर मी. आखिर में वो मेरे लिए क्या होने वाला है? खड़ा होने वाला है. हालेलुया. और क्या होने वाला है? मैं उसको देखेगा. I will see him. दूसरे किसी की आंखों से नहीं है, मेरा खुद का आंखों से मैं उसको देखेगा. धूल में खड़ा होने वाला, हिंदी में क्या लिखा है? डस्ट लिखा है. पृथ्वी पर खड़ा होगा, मलयालम में लिखा है धूल में खड़ा होगा. लेट मी एक्सप्लेन इट. उसका आगे का वचन भी साथ में पढ़िए. हाँ, देखो, मैं शरीर में होकर परमेश्वर का, देखो ध्यान से सुनो, अभी मेरा स्थिति क्या है? अभी मेरा स्थिति क्या है? शरीर पूरा पिघल गया है ना, पूरा सट गया है. धूल अभी ये क्या होने है? धूल का धूल बनने वाला है, सही है ना, ये धूल का धूल. लेकिन अंत में मेरा परमेश्वर खड़ा होने वाला है मेरे लिए. जब मैं धूल बन जाएगा ना, तभी भी मेरा परमेश्वर मेरे लिए क्या होने वाला है? खड़ा होने वाला है. और दूसरा किसी के आंखों से नहीं है, मेरा
आप बोला धूल बनने वाला है, लेकिन इस शरीर के सामने में उसको देखने वाला है। That's a hope. Hallelujah. दुनिया बोलेगा तुम खत्म हो गया, ऐसा सट के तुम धूल बनने वाला है, लेकिन आयुब कहा मेरा परमेश्वर उस धूल में खड़ा रहने वाला है, एंड इन द एंड आई एम गोइंग टू सी हिम इन माय फ्लश, मेरा शरीर में मैं उसको देखने वाला है। कुछ लोग कहो मेरा अंत बहुत अच्छा है, आमेन, हालेलुया, बहुत अच्छा है, मेरा परमेश्वर मेरे लिए जीवित है, मारड़ी मर ली। कितना लोगों को विश्वास है यीशु जीवित है? How many of you believe that Jesus is alive? Amen. If you believe that Jesus is alive, Gospel of John chapter 14, it is written, hallelujah, because I live, you will live, hallelujah, because I live, you are going to live, hallelujah. Yohana 14 mein kya likha hai? Main jeevit hai, isliye tum bhi jeevit rahunga. Main jeevit hai, isliye tum bhi jeevit rahunga. तुझे नष्ट करने के लिए, हालेलुया, ओ कम ऑन चर्च, हालेलुया, तुझे खत्म करने के लिए काफी शक्तियों तेरा विरुद्ध में होगा, लेकिन एंड, हालेलुया, तेरा 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 क्या बोलते क्लाइमैक्स, हालेलुया, कड़वापन नहीं है, तेरा क्लाइमैक्स, हालेलुया, एंड रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट क्या है? उन्होंने मेरे लिए उस धूल में खड़ा होने वाला है। जब उन्होंने उस धूल में खड़ा हो जाएगा, आप बोला धूल बनने वाले उस धूल में फ्रश आएगा, हालेलुया, जीवन आएगा, सामर्थ आएगा, शरीर आएगा, मेरा सिचुएशन क्या होने वाले बदलने वाला है, मैं रेडी मर ली, हालेलुया। मेरा पिता बन गया, अब तो मैं